थाना क्षेत्र अंतर्गत करैया मंडी मल्हान टोला में विगत रात्रि शराब के नशे में धुत विधायक राजबल्ली एवं अर्जुन सहित पक्का द्वारा छंगेलाल केवट को पुराने विवाद को लेकर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया, जिसे परिजनों द्वारा गंभीर हालत में संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया। वहीं विगत शाम ही निपनिया ने भी आयुर्वेद चिकित्सालय के सामने अज्ञात बदमाशों ने चिड़ियाघर की ओर जा रहे मुकुंदपुर निवासी सौखीलाल यादव को चाकू से हमला कर घायल कर फरार हो गए, जिसे परिजन द्वारा संजय गांधी चिकित्सालय में लाया गया। वहीं वर्तमान में जिले का हालात बद से बदतर हो रहे हैं। रीवा जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो गई है, जहां रीवा पुलिस अधीक्षक के कोरोना संक्रमण के पूर्व सब कुछ सही चल रहा था, वहीं उनके क्वारंटाइन होने एवं वापसी के बाद हालात बिगड़ते गए और अचानक से बड़े अपराध चिंता का विषय बन रहे हैं। प्रस्तुत है जानकारी के अनुसार। राजेश यादव। और घायल के क्या नाम है? सौखीलाल यादव। कौन लगते हैं आपको? हमारे संधि लगते हैं। संधि लगते हैं जी। क्या घटना हुई आपके साथ? हम आए थे रीवा, मैंने 4 बजे आए थे तो दुकान में मिस्त्री नहीं रहा, मेरी मोटर जल गई थी तो रखी रही बनाए को, तो उसको लगाए फोन, वो 1 घंटा बाद आया, तब तक ताके रहे बस स्टैंड के पास। जब मोटर मिल गया तो मैंने चला वो बिछिया लिपनिया वाली रोड, सीधे निकलते चिड़ियाघर, तब बिछिया हॉस्पिटल के सामने दुकान वकान खुली थी, तो मेरे में पहले एक साइकिल वाले को रुकवाया था, तो आगे जब साइकिल खड़ी थी तब मैंने गाड़ी रोक दिया कि साइकिल आगे है, तो हम कहा जाने की आदमी कैसा नहीं, तो वो डायरेक्ट आया, जब हमारी गाड़ी रुक गई तो डायरेक्ट आया तो मेरे हाथ लगा दिया जेब में। आप कहाँ से थे? आप कहाँ से थे? दो पहिया से और पीछे हम बैठे थे, तो जब हम हाथ पकड़ लिए, एक हाथ है गाड़ी पकड़ लिए, तो मेरा हाथ छाड़ के पीछे से उनको मार दिए। जब वो कहे कि हम मर गए तो हम गाड़ी पटक दिए सीधे, देखें तो खून में चुचुआ गए, तो पकड़े जल्दी आके, खून न बहे पाए, हो गए ले गए पर उठाए रहे, हो गया लोग और दोस्त भाई उनके के थोड़ा खून लगाए तो हॉस्पिटल ले आए। कितने की उम्र का रहा होगा वो? वो कम से कम नहीं होगा तो 22 साल का। कहाँ पे? ये पीछे लिपनिया हॉस्पिटल के सामने डस्ट रोड है। कितने बजे की घटना है? अरे अभी मान ले के आधा घंटा, हाँ आधा घंटा हो गए, 1 घंटा हो गए। मनीष केवट। ये क्या करता है? ये करहिया नई गल्ला मंडी मल्हान टोला की है सर। ये कहा कि उन मेरे बड़े पापा का लड़का है, वो शराब वराब पी कर आया, तो बोला कि ये कर दो कर दूंगा, गाली दे रहा था, हम लोग समझाए नहीं माना, वो लड़ाई करने के मूड में हम लोग ऐसे था, तो हमारे पीटे पहले भाभी को अंदर बैठे थे, हम लोगों को फिर सूचना मिली तो हम लोग गए वहाँ पे, तो पिताजी को चाकू मारा मेरे, मैंने जब देखा उनको मारा तो मैंने पकड़ लिया, तो मेरे भी लगी है, भाभी के हाथ में लगी, फिर मैंने एम्बुलेंस को फोन 100 नंबर को लगाया, सब FIR हुई है। ये घटना कहाँ की है? ये करहिया नई गल्ला मंडी। नई गल्ला मंडी के जी। कल शाम 5 बजे 5:30 बजे करीब। छंगेलाल केवट। कहाँ के हैं ये? करहिया के हैं। आरोपियों को क्या नाम है जिन्होंने मारपीट किया है? एक का विधायक, एक का जयवाली, एक का अर्जुन और उसका भी नाम पक्का है। काहे से मारे हैं? चाकू से, तलवार बहुत इतनी बड़ी तलवार थी तो उससे वार किए। क्या बजे घटना है ये? 5:30 बजे सर करीब। मारपीट किए हैं सर करीब? कितने लोग?